आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैगुआर और तेजस मार्क 1A के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय जो पुराने हो रहे एयरक्राफ्ट है इनको रिप्लेस करने की तैयारियों को शुरू कर चुकी है, और इस दौरान कुछ हमें बड़े कदम भारतीय वायुसेना की तरफ से लेते गए दिखाई पड़े हैं। फिर चाहे वो MiG-27 का रिटायरमेंट हो, MiG-23 का रिटायरमेंट हो, या अब MiG-21 का जो फेज रिटायरमेंट है, ये इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन जब बात आती थी जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 की, तो हम लोग यही मानते थे कि जब तक तेजस मार्क 2 बनके तैयार नहीं हो जाएगा, इनका रिटायरमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। भारतीय वायुसेना ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब फेज्ड रिटायरमेंट प्लान जैगुआर के लिए फाइनलाइज हो चुका है, जहां पर 2027 से 28 तक इनके रिटायरमेंट का जो प्रोसेस है ये शुरू कर दिया जाएगा। और इस प्लान के अंतर्गत 2035 तक जैगुआर की सभी स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना की सर्विस से सेवानिवृत्त भी कर दिया जाएगा। शुरुआती तौर पर जो जैगुआर डेरिन 1 और डेरिन 2 एयरक्राफ्ट है इनको रिटायर किया जाएगा, और जो अपग्रेडेड वेरियंट है ये बेसिकली डेरिन 3 के रूप में सर्विस में बने रहेंगे। इनिशियली प्लान ये था कि जब तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट 2028 तक बनके तैयार होंगे तो उनसे जैगुआर की जो फ्लीट है उनको रिप्लेस किया जाएगा, और ऐसे में भारतीय वायुसेना की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगी और इनका काम चलता रहेगा। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने कुछ नया निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जो इनिशियल बैच है जैगुआर के, उनको तेजस मार्क 1A की फ्लीट से रिप्लेस किया जाएगा, क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये जैगुआर को आउट परफॉर्म कर देते हैं, और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना अब तेजस मार्क 1A की सहायता से जैगुआर की जो इनिशियल स्क्वाड्रन है इनको रिटायर करने वाली है। तेजस मार्क 1A की बात करें तो ये मार्क 1 का एक इम्प्रूव्ड वेरियंट है या अपग्रेडेड वेरियंट है, जो कि 43 अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स के साथ हमें देखने को मिलता है। और ये अगर हम जैगुआर से इनको कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ये एक परफेक्ट इंटरिम सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि कहीं कहीं जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट हैं ये जैगुआर से ज्यादा एडवांस माने गए हैं। जैगुआर की बात करें तो एक लंबे समय तक ये भारतीय वायुसेना की पहली पसंद रहे हैं, क्योंकि तकरीबन दशकों से ये अलग अलग मिशन में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। फिर चाहे वो ग्राउंड अटैक हो, रिकॉनसेंस हो, या फिर मैरिटाइम पेट्रोल हो, इन सभी में जैगुआर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन जैगुआर की जो फ्लीट है ये इस समय जो सीरियस इश्यूज हैं इनको फेस कर रही है। सबसे बड़ा इशू है इनमें अंडर पावर्ड इंजन का, जो कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में पावर को लूज करने के लिए जाने जाते हैं, और ये समस्या कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इसे लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना इनके जो किसी भी प्रकार से है वो इनको रिजॉल्व करना चाहती है इशू को, ताकि ये एयरक्राफ्ट बिना किसी क्षति के भारतीय वायुसेना के सर्विस में बने रहे। अगर हम जैगुआर स्क्वाड्रन की बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना इस समय तकरीबन 120 की संख्या में जैगुआर एयरक्राफ्ट को तकरीबन 6 अलग अलग स्क्वाड्रन में ऑपरेट कर रही है। इसमें से पहली स्क्वाड्रन है स्क्वाड्रन नंबर 5, जिसको हम तश्कर के नाम से जानते हैं। ये इस समय अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में ऑपरेशनल है, यहीं से ऑपरेट करती है। और दूसरी स्क्वाड्रन है स्क्वाड्रन नंबर 14, जिसको हम बुल्स के नाम से जानते हैं, ये भी अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन में है। तीसरी स्क्वाड्रन है स्क्वाड्रन 6, जिसको हम ड्रैगन्स के नाम से जानते हैं, ये जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि स्क्वाड्रन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो इन्हें हम ब्लैक कोबराज के नाम से जानते हैं, और ये आपको गोरखपुर में देखने को मिलती हैं, यानी ये गोरखपुर से ऑपरेट की जाती हैं। उसके बाद आती है स्क्वाड्रन 27, जिसको हम फ्लेमिंग एरोस के नाम से जानते हैं, ये भी गोरखपुर से ऑपरेट कर रहे हैं इस समय। फिर आता है स्क्वाड्रन 224, जिसको हम वॉर लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं, और ये जामनगर एयरफोर्स स्टेशन से ऑपरेट किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना का ये कहना है कि अभी ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 2030 तक सर्विस दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जब हमारे पास एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी होने लगेगी और एक रीजनेबल नंबर में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेंगे, तो तेजस मार्क 1A वही एयरक्राफ्ट होंगे जो कि इनिशियल बैचेस में इनको रिप्लेस करेंगे। और भारतीय वायुसेना का जो कॉन्फिडेंस है वो तेजस मार्क 1A को लेकर के दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि हमने हाल ही में देखा कि भारतीय वायुसेना के लिए 180 की संख्या में तेजस मार्क 1A जेट्स का जो ऑर्डर है वो दिया गया है। और अगर हम मार्क 1 को काउंट करें तो ये नंबर 200 को पार कर जाता है, और यहीं से अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को अपने इन एयरक्राफ्ट के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है। उसके पीछे का एक कारण भी है, क्योंकि जैगुआर जो है वो ग्राउंड अटैक रोल में इस्तेमाल किए जाते थे, मैरिटाइम पेट्रोल में किए जाते थे, और ये सारा काम तेजस बाखूबी कर सकता है। क्योंकि अगर आप तेजस के स्ट्राइक पैकेज पर नजर डालें तो आपको चलेगा कि क्यों भारतीय वायुसेना इन पे इतना ज्यादा भरोसा कर रही है।
क्योंकि अगर हम शॉर्ट रेंज कॉम्बैट की बात करें या विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात करें, तो इसमें आपको जो एशरैम जैसे मिसाइल हैं, R-73 है, ये देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम BVR कॉम्बैट की बात करें, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की बात करें, तो इसमें आपको अस्त्र Mk1, अस्त्र Mk2 और अस्त्र Mk3 देखने को मिलेंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि अस्त्र Mk2 मिसाइल का डेवलपमेंट स्किप किया जा सकता है अस्त्र Mk3 के लिए। तो एक गुड न्यूज़ है, इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ऐसा कोई भी प्लान उनका नहीं है। अस्त्र Mk2 और अस्त्र Mk3 का डेवलपमेंट ठीक उसी प्रकार चल रहा है जैसा संभावित था। अस्त्र Mk2 एक कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल के तौर पर सर्व करेगी जिसको बड़ी संख्या में खरीदा जा सकेगा, जबकि अस्त्र Mk3 SFTR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसाइल होगी जिसका टारगेट इनमें के एवैक्स और उनके जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं ये हो सकते हैं। और तेजस की फ्लीट में आपको ये तीनों मिसाइल देखने को मिलेंगी। अस्त्र Mk1 की रेंज की बात करें तो वो 110 किलोमीटर की है। अस्त्र Mk2 की बात करें तो उसे हम देसी मीटियोर कहते हैं जो कि 160 किलोमीटर तक मार्ग क्षमता के साथ आती है। इसके अलावा जो अस्त्र Mk3 है ये आपको 350 किलोमीटर तक की मार्ग क्षमता के साथ देखने को मिलेगी। और तेजस में संभावित है कि ये तीनों मिसाइल हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से साबित होता है कि तेजस की एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है। और अगर हम एयर ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो रुद्रम 1 और रुद्रम 2 जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। हालांकि रुद्रम 2 का इस्तेमाल एज अ ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल भी हो सकता है क्योंकि रुद्रम 2 के दो वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे जाकर के एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकेगा। दूसरा एक ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल होगी जिसमें हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और ये एनिमी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको तबाह करने में पूर्णतया सक्षम होगी। इसके अलावा अगर हम बॉम्ब्स की बात करें तो उसमें गौरव और तारा जैसे बॉम्ब्स हैं, हैमर जैसे वेपन्स हैं, ये देखने को मिलेंगे जो कि ग्राउंड स्ट्राइक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको ब्रह्मोस एनजी जैसी घातक क्रूज मिसाइल्स देखने को मिलेंगी जिनका कोई भी तोड़ नहीं है और ब्रह्मोस एनजी के ट्रायल 2025 में शुरू कर दिए जाएंगे और संभावित है कि 2026-27 तक ये तेजस में इंटीग्रेट की जानी शुरू भी कर दी जाए। इसके अलावा इसमें आपको रैम्पेज भी देखने को मिल सकती है रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर तेजस का जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो आपके सामने है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना का कॉन्फिडेंस लगातार यहाँ पर बूस्ट हो रहा है। हालांकि अभी हाल ही में जो एक हादसा हुआ था उसमें निसंदेह थोड़ा तो हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन ये टेक्निकल इवोल्यूशन का एक हिस्सा है, इवोल्यूशन का एक हिस्सा है, तो उसमें हमें इतना गौर नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना का ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है। कम से कम भारतीय वायुसेना इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पर इतना भरोसा कर रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आने वाले भविष्य में जब तेजस Mk2 का डेवलपमेंट अपने फाइनल स्टेजेस में होगा और प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो भारतीय वायुसेना फिर जो रिमेनिंग जैगुआर के स्क्वाड्रन्स हैं उनको इन्हीं एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।